जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार के जहां कई गैंगस्टरों से साठगांठ सामने आ चुकी है, वहीं क्राइम ब्रांच की जांच में एक और बदमाश से सुशील कुमार पहलवान के संबंध सामने आ रहे हैं। सुशील कुमार हत्या के प्रयास के आरोप में बदमाश राहुल ढाढ़ा को छत्रसाल स्टेडियम में पनाह दे रखे थे। उसे सुशील कुमार का पूरा आशीर्वाद और शह मिला हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राहुल समेत 7 बदमाशों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। इसमें से गौरव लोरा गिरफ्तार रविवार को ही हुआ है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नांगल ठकरान का राहुल ढाणा शातिर बदमाश है और उसके खिलाफ बवाना में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। बवाना पुलिस ने उसे भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। स्पेशल सेल ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में साल 2015 में इसे गिरफ्तार भी किया था। ये कई सालों तक जेल में रहा। ओलंपियन सुशील कुमार का राहुल को ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो वहीं पर रहने लगा। सुशील कुमार ने उसे छत्रसाल स्टेडियम में पनाह दे रखी थी। राहुल एक साल से छत्रसाल स्टेडियम में रह रहा था। उसके स्टेडियम में पूरी धाक थी। वो सागर धनखड़ और उसके साथियों की मारपीट करने और उनका अपहरण करने की वारदात में भी शामिल था। सागर धनखड़ हत्याकांड में अब राहुल ढाणा समेत 6 बदमाश फरार हैं। क्राइम ब्रांच ने इन सभी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। फरार 6 बदमाशों के नाम अनिल दीमन, प्रवीण दबास, सुरजीत ग्रेवाल, जोगिंदर उर्फ काला, प्रवीण उर्फ चोटी और राहुल ढाणा है। जोगिंदर उर्फ काला असौदा गिरोह का बदमाश है। उसके खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं। प्रवीण उर्फ चोटी पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। सुरजीत ग्रेवाल पेशे से पहलवान है और उसने कई मेडल भी जीते हैं। ये सभी आरोपी वीडियो में डंडों से सागर और उसके साथियों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब पुलिस वाले ही सुशील कुमार पहलवान के साथ सेल्फी ले रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल लोगों के जहन में जरूर घूम रहा है कि सब कुछ हो रहा है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा।